की मिश्रा से पूछना चाहेंगे, कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि 2011 में आप जरा बताइए प्रधानमंत्री जो सवाल बार बार होते रहे, अयोध्या नहीं गए, अयोध्या नहीं गए, अब लोकसभा चुनाव के दौर में बीच में वो अयोध्या भी जा रहे हैं लेकिन रामलला के दर्शन नहीं करेंगे। क्या मैं एक स्ट्रेटेजी से समझूं, इससे पहले मुख्यमंत्री गए, रामलला के दर्शन गए किए, हनुमानगढ़ी भी गए, और अब जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो वो रामलला के दर्शन नहीं करेंगे, हनुमानगढ़ी नहीं जाएंगे? और एक इससे पहले कि आप जवाब दें रचना, आप ही के सवाल में एक और चीज जोड़ूंगा मैं, एक के साथ ही मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि आपको धर्म की भी धर्म का ही बड़ा अच्छा ज्ञान है, साथ ही ये भी बताइएगा वाल्मीकि की रामायण में कितने कांड हैं, और अगर अयोध्या में जाकर के प्रधानमंत्री अगर रामलला नहीं जा रहे हैं तो ये राजनीति का कौन सा कांड कहें? हम मैं आपको बताता हूँ रचना, आपका सवाल एकदम सही था, आपने जो बोला ना स्ट्रेटजी, देखिए इस चीज को समझने के लिए तीन पार्ट में समझिए और बीजेपी के नेचर कैसे वो काम करती है वो भी समझना बड़ा जरूरी है। पहली चीज ये है कि हो सकता है पिछली बार बनारस में माँ गंगा ने बुलाया था तो उनके निमंत्रण पे चले गए, अभी तक तो रामलला ने बुलाया नहीं तो इसलिए नहीं जा रहे हैं। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर निमंत्रण नहीं दिया है जैसे माँ गंगा ने दिया था तो क्यों जाएंगे? दूसरी चीज, बीएसपी ने भी ये बोला हुआ है कि अब ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला नेचर, यहां पे देखिए बीजेपी का नेचर है स्टांस, आश्चर्यचकित कर देना, बिना बताए हुए चीजों को करना, जैसे बिरयानी खाने ये लाहौर चले गए, किसी को अनुमान था कि हमारे प्रधानमंत्री चले जाएंगे? तो मुझे ये लगता है कि अगर ये वहां तक जाएंगे तो हो सकता है उस दिन सबसे पहले जाकर के रामलला का दर्शन करें, तो अब ऐसी खबर क्यों फैलाई जा रही है? इसलिए ताकि विपक्ष इसको खूब हो हल्ला करे, ये करे वो करे, पब्लिसिटी मिले, लोगों का जो है अट्रैक्शन जाए इस खबर पे। एक होता है ना कि पानी को बॉयल करना धीरे धीरे, बीजेपी इसमें बड़ा माहिर है, जो खुद करके इधर सब लोग बोल रहे थे कि अरे प्राइम मिनिस्टर साहब तो वहां जाएंगे ही नहीं और जाकर के सीधे रामलला के मंदिर में सबसे पहले चले गए, तो ये भी एक स्ट्रेटजी, ये एक संभावना हो सकती है और मुझे इस चीज की सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि पास्ट में बीजेपी ने अपने सारे काम ऐसे किए, पहले वो धीरे धीरे बॉयल करते हैं, जब टॉप पे पहुंच जाता है तो ऑल ऑफ सडन ऐसी चीज कर देते हैं कि जिसको विपक्ष मुद्दा बना रही थी वो एकदम खत्म हो जाता है। ये चीज है। दूसरी बात, आपने जो बोली वाल्मीकि रामायण वगैरह की और ये कौन सा कांड है, मैं आपको बताता हूं, ये जो कांड है ना वाल्मीकि रामायण से रिलेटेड है ना किसी रामायण से, ये जो राजनीति की रामायण है और स्वतंत्रता के बाद जो राजनीति का ट्रेंड चल रहा है ये उस रामायण से जो है डेफिनेटली रिलेटेड है। इसी को मैंने बोला, ये आश्चर्यचकित कर देने वाला जो कांड है ना, और इसी कांड को करते हुए वो हमारे प्रधानमंत्री जी लाहौर चले गए थे, किसी को पता ही नहीं चला, टॉप ऑफिसर्स को भी नहीं पता था कि प्रधानमंत्री जी का प्लेन पाकिस्तान में चला जाएगा, लाहौर में उतर जाएंगे, शॉल ले आए, दे आए, आम, ये सब चीजें। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टांस करने वाली मुझे राजनीति लगती है और उस दिन देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाए जो अभी प्लान हमने बताया है उसमें कोई ऐसा चमत्कारी चेंज हो जाए कि एकदम यू टर्न जिसको बोलते हैं कि अरे उस वक्त तो ये था अब तो एकदम से ये हो गया। ये बीजेपी की रणनीति है, अगर आप बारीकी से समझिए। ऐसा कहते भी है ना कि राजनीति में तो संभावनाओं की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, तो देखिए राजनीति हो भी सकता है कि जब अयोध्या के दौरे पर पहुंचे तो रामलला के दर्शन करने पहुंच भी जाएं और हम सबको चौंका दें। अब